हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जुमा मुबारक आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी सभी ठीक है। अभी हम लोग सब तैयार हैं बाहर जाने के लिए। आज लंच नहीं बनाए घर पे, तो हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं और लंच भी बाहर ही करेंगे। क्यों नहीं बनाए? ऐसे क्यों स्ट्रेंज देख रहे हो? आपने ही तो कहा कि बाहर जाकर खाएंगे और इंटेल पर, तो हम लोग बाहर जाकर खाएंगे गाइस। जस्ट बिकॉज अभी मैं उसका रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों हम लोग बाहर जाए। देखो फ्रेंड्स, मेरा किट मेरा स्टोव टूट गया है, पता नहीं कैसे, और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बोलूँगी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वन वीक से मैं ऐसे ही पका रही हूँ और मुझे पता भी नहीं चला कि ये कैसे टूटा करके। मुझे पता नहीं कि ये टूट कर है कर। देखो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। हाय फैंस, हाय। अजान भी रेडी हो गया, उसके पापा भी रेडी हो गए। आज तो मेरे हस्बैंड ने पठानी सूट पहना है, तो बोलना माशाल्लाह कितने स्मार्ट लग रहे हैं ना, एकदम पठान की तरह, किसी की नजर ना लगे यार, माशाल्लाह सच में। और ये देखो अभी रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई हूँ, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। चलो, कैसी दिख रही है हमारी जोड़ी गाइस, बताना। सैलेड, चिकन सीजर सैलेड, जो मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, तो उन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया था। और ये मैंने प्लेटर ऑर्डर किया है, नॉन वेज प्लेटर, शी चिकन तंदूरी, मलाई टिक्का, हरियाली चिकन, सब आता है इसमें। तो प्लेटर ऑर्डर किया है हम लोग ने। फिर हांगकांग फ्राइड राइस मेरे हस्बैंड के लिए, हांगकांग चिकन फ्राइड राइस और वेज फ्राइड राइस एज़ यूजुअल मैं खाती हूँ। तो मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मुझे फ्राइड राइस बहुत अच्छा रहता है, यहाँ का बहुत एमी सा रहता है। सारे डिशेस अच्छे रहते हैं, बिरयानी के अलावा सब अच्छा रहता है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं तो जब भी सब ट्राई करते हैं, लेकिन फ्राइड एक बार जब हम लोग ने बिरयानी खाई, एक बार बहुत बार खा कर बिरयानी तो यहाँ की अच्छी नहीं रहती। और ये है गड़बड़, मतलब ये फालूदा टाइप कुछ है, ये आइसक्रीम ड्राई फ्रूट सब डालकर है, और इसका ये डेजर्ट का नाम है गड़बड़। कितना अजीब सा नाम है ना, गड़बड़। फिर यहाँ से हम लोग निकले फ़िश मार्केट के लिए, क्योंकि लास्ट वीक हमें नहीं मिला था झींगा, तो इस वीक हम लोग आकर झींगा खरीदे थे। और ये देखो झींगा यहाँ पर कैसे क्लीन करते हैं, मतलब एक आदमी तोड़ रहा है और एक आदमी जो अंदर की गंदगी जो रहती है वो क्लीन करता है, तो आराम से हो जाता है काम। फिर घर आकर अच्छे से वॉश ही करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं करा देती हूँ। ये तो मैं बिफ़ोर नहीं कराती थी, घर लेकर आकर मैं तोड़ती थी तो बहुत टाइम लगता था और मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी। इतना सारा झींगा, इतने लाइक 6-7 kgs अगर लेकर आएंगे तो तबीयत ख़राब ही होगी ना, एक इंसान खड़ के करेगा तो मम्मी ने डांटा, तो उसके बाद मैं यहीं पर करा देती हूँ पैसे देकर, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आए कुछ अम्यूज़मेंट पार्क की तरह, छोटा सा एक अम्यूज़मेंट पार्क है कुवैत में बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के राइड्स से। तो अजान को लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे। अजान तो किसी में भी बैठा नहीं है अभी, उसे डर लगता है ऐसे छोटा ऐसे चीज़ों से, उसे ना फन सिटी में ही उसे अच्छा लगता है, तो अभी उसे दिखा रहे हैं। अजान उसके पापा को बुला रहा है, चलो जाएंगे स्लाइड पर उसके पापा मना कर रहे थे, तो ठीक है करके मैं गई थी, क्योंकि वहाँ पर मम्मी लोग जा रहे थे, तो अजान और मैं गए थे। और सेकंड राउंड में मुझे कमर पर इतना मार लगा कि मैं इसके बाद तोबा कर ली कि मैं नहीं आऊँगी नेक्स्ट टाइम। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी करके, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय, अल्लाह हाफिज़।